हम इसमें लगाई हमने MD15 का क्रच गार्ड, जो कि हम हर बाइक जो भी हमारे यहाँ पे आती है, जैसे R15 हुई, KTM हुई या MT15, जो भी स्पोर्ट बाइक हो, सबसे पहले हम उसमें लगाते हैं हमारा सेफ्टी क्रच गार्ड, जिससे इन केस आपकी बाइक जब भी नीचे गिरती है तो आप देख रहे होंगे ये जो साइड पैनल साइड वाइजर, इससे कोई भी तरीके का डैमेज होने से बच जाते हैं। सो है गाइस, वेलकम बैक टू। और दोस्तों, ये मेरे हाथ में है MT15 का क्रच गार्ड, जो कि आज हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको इंस्टॉल करना है MT में, वो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके का ये MT15 का क्रच गार्ड है, दोनों साइड से कुछ इस टाइप का ये आने वाला है, और इसके साथ मिलता है आपको स्लाइडर। स्लाइडर इसलिए कि जब भी इनकेस आपकी बाइक नीचे गिरती है तो ये स्लाइडर अपना जो भी बॉडी का वेट है ये स्लाइडर के ऊपर आता है, और ये स्लाइडर अपनी MT15 के जो साइड पैनल है उसको डैमेज होने से बचाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अब गैरेज में और स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको इंस्टॉलेशन करना है इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, चलते हैं आप गैरेज के ऊपर और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे इसको हमको इंस्टॉल करना है। सो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे गैरेज के ऊपर, और ये है MT15, और इसमें हम इंस्टॉल करने वाले हैं बहुत सारी एसेसरीज, बट आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्रच गार्ड इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो कैसे उसको हमको स्टेप बाय स्टेप, आप जब ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, आप मंगाते हैं, तो आप घर पे बहुत ही आसानी से जो क्रच गार्ड हमारा इंस्टॉल करवा सकते हैं, किसी मैकेनिक के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि कैसे वन बाय वन कौन सा बोल्ट खोलते हैं और कौन सा बोल्ट खोलने के बाद कैसे जो हमारा क्रच गार्ड वो इंस्टॉल करना है। तो मैकेनिक ऑलरेडी आ चुके और क्रच गार्ड भी हम यहाँ पे हमारी गैरेज में लेके आ गए हैं। तो अब चलते हैं MT15 की तरफ और वन बाय वन जो जो बोल्ट हमको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, इंस्टॉलेशन के पहले कुछ झलकियाँ जो हमारी MT15 है ब्रांड न्यू वर्जन 3 मॉडल में, और इसमें अब इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं हम हमारा जो MT15 का फुल बोल्ट क्रच गार्ड है। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कौन से बोल्ट हमको खोलना है और कैसे इसको फिट करना है, और लास्ट में जो फिटिंग होने वाली है वो भी इस वीडियो में आपको देखना मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं ये बोल्ट हमको अनसोल करना है जो इंजन के ठीक नीचे है, और ये बहुत टाइट रहता है, डेट्स वाई इसको हमको थोड़ा सा लूज करना है। तो फाइनली ये जो बोल्ट है इसको अनसोल करना है, और ये बोल्ट हमने फुल इसको खोल दिया है, और फिर इसको बाहर की ओर निकाल देना है। स्पेस बहुत ही कमी है, डेट्स वाई बोल्ट निकल नहीं पा रहा है, हाथ अंदर जा नहीं पा रहा है। तो उसको ध्यान से ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है बोल्ट। ये फर्स्ट प्रोसेसिंग है जो हमको, दोस्तों सेकंड बोल्ट हमको यहाँ से इंस्टॉल करना, आप देख सकते हैं ये है बिल्कुल जो हमारी रेडिएटर है उसके पास में एक बोल्ट आपको मिलने वाला है, ये MT15 के नीचे, और इसको हमको अनस्टॉल कर लेना है। कुछ इस तरीके का ये छोटा सा बोल्ट अंदर से निकलने वाला है, आप देख सकते हैं। महज दोनों साइड से सेम बोल्ट हमको अनस्टॉल कर लेना है, निकाल लेना है, ताकि हम MT15 का जो क्रच गार्ड है वो वापस से उस बोल्ट के ऊपर इंस्टॉल कर सकें। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, फर्स्ट हमको एक जो बोल्ट सेकंड हमने इंस्टॉल किया था उसको इसके ऊपर टाइट कर देना है, और एक बोल्ट लगने वाला है नीचे की साइड जो हमने फर्स्ट में जो इंस्टॉल किया था। तो दोस्तों, फाइनली क्रच गार्ड इंस्टॉल होके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं क्रच गार्ड का जो फिटिंग है बहुत ही जेन्युइन फिटिंग आया है, आप देख सकते हैं जरा सा भी इसमें गैप नहीं है। और ये स्लाइडर, और जब भी आपकी बाइक नीचे गिरती है तो ये स्लाइडर है जो अपनी जो साइड बॉडी पैनल उसको कोई भी तरीके का डैमेज होने से बचाती है। तो दोस्तों, MT15 में बहुत सारी एसेसरीज अभी हमको इंस्टॉल करना बाकी है, बट ये वीडियो टॉपिक था कि कैसे हमको जो हमारा फुल बॉडी क्रच गार्ड है MT15 का वो इंस्टॉल करना था, और आपको दिखाना था स्टेप बाय स्टेप कौन सा बोल्ट आपको फिट करना है, ताकि आप जब भी ऑनलाइन कोई MT15 का क्रच गार्ड परचेस करते हैं या आप हमारे यहाँ से मंगाते हैं, और आप सूरत में नहीं है और बाहर आप डिलीवरी लेते हैं, तो आपको इजी हो जाता है कि कैसे आपको जो क्रच गार्ड है वो इंस्टॉल करना है। दोस्तों,
तो ये थी वीडियो क्रश गार्ड इंस्टॉलेशन के ऊपर, हाउ टू इंस्टॉल क्रश गार्ड इन MT-15। तो इंस्टॉल होके क्रश गार्ड MT-15 रेडी है। सो वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे और भी कोई MT-15 यूज़र हैं और उनको MT-15 में क्रश गार्ड इंस्टॉल करवाना है तो ये वीडियो उन तक पहुंच सके। और वो हमारी शॉप SH ऑटो पार्ट्स, जिसका एड्रेस मोबाइल नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, वो यहाँ पे परचेस करते हैं कर सकते हैं। और आपको मिलने वाली है यहाँ पे ऑल इंडिया डिलीवरी, COD ऑल्सो अवेलेबल है यहाँ पे। तो वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।